जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम होगा, एनडीए की तरफ से सिविलियन ग्रुप सी के लिए 251 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और आपके एडमिट कार्ड यहां पास जारी कर दिए गए हैं। आपके जो एग्ज़ाम हैं 23 फरवरी 2023 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर, हमें परीक्षा केंद्र यानी एग्जाम सेंटर क्या क्या लेकर जाना है, फोटो कितनी लेकर जाना है, आईडी प्रूफ में क्या लेकर जाना है और ये जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है इसको लेकर जाना जरूरी है या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप कमेंट जरूर किया करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और सब कुछ इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तुम्हारा मेन पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको एडमिट कार्ड जरूर निकलवा लेना है। आपको कलर प्रिंट में भी एडमिट कार्ड निकलवाना है और ब्लैक एंड व्हाइट में भी आपको एडमिट कार्ड निकलवाना है और दोनों प्रिंट आउट अपने साथ लेकर जाना है। देखिए, एग्जाम सेंटर में किसी भी प्रकार की दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको दोनों प्रिंट आउट जरूर साथ में लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको A4 साइज के पेज में एडमिट कार्ड निकलवाना है। बात हुई क्लियर। एडमिट कार्ड निकालने के बाद आपको एक काम कर लेना है दोस्तों, यहाँ पास आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है, ठीक है। लेटेस्ट फोटो आप यहाँ पास चिपकाएंगे, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट है हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। कुछ इस प्रकार की आपको फ़ोटो लेकर जाना है, कम से कम आपको दो फोटो तो ज़रूर लेकर जाना है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आप कम से कम 3 या 4 फ़ोटो तो ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि कहीं भी मांगी जा सकती है दोस्तों, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको कम से कम 3 से 4 फ़ोटो तो साथ में लेकर जाना चाहिए। यदि 3 से 4 फ़ोटो नहीं है तो कम से कम आपको 2 फ़ोटो तो ज़रूर लेकर जाना है, आप इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा है आपको 2 फ़ोटो ज़रूर लेकर जाना है। यदि आप 1 फ़ोटो लेकर जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, 2 से कम फ़ोटो आपको लेकर नहीं जाना, ठीक है। यदि आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आज ही जाइए और फ़ोटो को खिंचवा लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको 2 से कम फोटो लेकर नहीं जाना है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट है फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं, देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है, ये सब आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखें दोस्तों, जो भी आप फोटो आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। यदि आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं तो वो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, पैन कार्ड लेकर जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए, वोटर आईडी लेकर जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा रहे हैं तो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। फोटो कॉपी नहीं चलेगी, जीरोक्स कॉपी नहीं चलेगी, आप इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपको आप जो भी फोटो आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं उसकी कम से कम 2 फोटो कॉपी आप अपने साथ जरूर रखे रहें, ठीक है। यदि आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं तो इसकी 2 फोटो कॉपी अपने साथ जरूर रख लेना है। यदि आप पैन कार्ड लेकर जा रहे हैं तो 2 फोटो कॉपी अपने साथ जरूर रख लेना है। वोटर आईडी लेकर जा रहे हैं तो 2 फोटो कॉपी करा लेना है, जीरोक्स कॉपी करा लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा रहे हैं तो 2 फोटो कॉपी आपको जरूर करवा के रख लेना है, ठीक है, और साथ में लेकर जाना है, ठीक है, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है और कम से कम 2 फोटो कॉपी आपको जरूर करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद पाँचवा डॉक्यूमेंट है हमारा दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और ITI सर्टिफिकेट, है ना। जिस भी पोस्ट में ITI मांगा गया था तो वो लोग अपना ITI सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे, ठीक है। 10th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाना है, 12th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाना है, ITI सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाना है। और दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, सभी की आपको 2-2 फोटो कॉपी तो ज़रूर करवा के ले जाना है, ठीक है, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद देखिए,
बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है दोस्तों तो आप टेंशन मत लीजिए, आप 10th क्लास की मार्कशीट ही लेकर जाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है और 10th क्लास की मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट का काम करती है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है और साथ में आपको 2 फोटोकॉपी जरूर करवा लेना है। ठीक है, और इसकी 10th क्लास की मार्कशीट की भी आपको 2 फोटोकॉपी जरूर करवा लेना है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं उसकी कम से कम 2 फोटोकॉपी तो आपको अपने साथ जरूर रखे रहना है। ठीक है, इसके बाद वैक्सीन COVID-19 सर्टिफिकेट आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपके एडमिट कार्ड पर साफ साफ लिखा है, ठीक है, कि आपको COVID-19 सर्टिफिकेट जो है, वैक्सीन सर्टिफिकेट है, वो आपको ले जाना बहुत कंपलसरी है। गेट पर ही चेक किया जाएगा दोस्तों, जैसे ही आप गेट पर एंट्री करेंगे वहीं पास आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपके पास नहीं है तो आप निकलवा लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये आसानी से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपके पास नहीं है तो इसको निकलवा लीजिए और इसको तो साथ में ज़रूर लेकर जाइएगा। ठीक है, ये कंपलसरी है दोस्तों, देखिए इसमें कोई छूट नहीं है। ठीक है, इसके बाद ब्लैक पेन आपको लेकर जाना है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पेन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेन होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी पेन आपको लेकर जाना है जिसके आर पार देखा जा सके, जैसी ए पेन है। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको पेन लेकर जाना है। ठीक है, राइटिंग पैड आपको लेकर जाना है, जिसको हिंदी में कहते हैं दफ्ती, है ना, दफ्ती बोलते हैं जिसमें, और राइटिंग पैड है ना, तो ये आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना, मिट्टा लेकर नहीं जाना, और हाँ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको पेंसिल वेंसिल पेन उन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो आपको पेन तो ज़रूर लेकर जाना है, आप पेंसिल मिट्टा इरेजर ये सब आपको वहाँ पास अलाउ नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज़ आपको यहाँ पास अलाउ है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन और राइटिंग पैड, तो आपको अपने साथ जरूर लेकर जाना है। ठीक है, तो 2 ही चीज़ यहाँ पास अलाउ है। ओके, और इसके अलावा कुछ भी लेकर नहीं जाना, मोबाइल भी लेकर नहीं जाना, यदि आप बेल्ट लगाकर जाते हैं तो उतरवा दिया जाएगा, तो आपको बेल्ट भी लगाकर नहीं जाना है। ठीक है, हाथ नाक कान या गले में कुछ भी पहने हैं तो उसे ज़रूर उतार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ उतरवा ही देते हैं, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो तो आप ये सब घर में रख कर जाइए। ठीक है, मोबाइल लेकर जा सकते हैं, वहाँ पास अपने बैग में रख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर दूर से स्टूडेंट जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो मोबाइल तो अपने साथ लेकर ही जाएंगे, इसलिए आप मोबाइल लेकर जा सकते हैं, वहाँ बैग रखने की व्यवस्था की जाएगी, तो बैग में अपने मोबाइल रख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसकी भी 2 फोटोकॉपी आपको करा लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं लेकर जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है। ठीक है, और यदि इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।